वही गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस वीडियो को देख के आए होंगे, क्योंकि बेसिक्स जो थे इस चैप्टर के वो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कवर किए थे, और इस वीडियो में हम लोग उसे आगे फर्दर कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों से बोला था, अराउंड 4 से 5 वीडियोज में मैं ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए एक बार लास्ट वीडियो को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्या क्या पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में? हमने पढ़ा था कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी क्या था, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, स्टडी ऑफ चार्जेस, और हमें कौन सा पढ़ना है इस बार यहाँ पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, ये पढ़ा था हमने। उसके बाद हमने पढ़ा कि ऐसा ही यूनिट, इसके चार्जेस हमारे 2 तरीके के थे, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ऐसा ही यूनिट ऑफ चार्ज पढ़ी हमने, कूलम। और इसके बाद हमने वह पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन समझाई आपको कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था। तो अभी इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, और मैंने लास्ट वीडियो में आपको बोला था कि फ्री चार्जेस क्या होते हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए, आज हमारा जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, फ्लो, जो सबसे पहला टॉपिक है वो है हमारा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर। यानी ये कि अगर कोई हमें ये तो पता है, हमने कंडक्टर और इंसुलेटर का डिफरेंस भी पढ़ा था। मैंने क्या बताया था, जहां से करंट आपका फ्लो कर सके वो कंडक्टर्स, और जहां से करंट आपका फ्लो ना कर सके वो इंसुलेटर्स। कंडीशन बताई थी कि कंडक्टर्स में से ही करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि इनके पास फ्री चार्जेस होते हैं। इनके पास क्या होता है बच्चों, फ्री चार्जेस। लेकिन इंसुलेटर्स के पास क्या होता है, फ्री चार्जेस नहीं होते। तो आज वही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर किसी डिवाइस में से या किसी वायर में से या किसी कंडक्टर में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका प्रोसेस क्या होता है। तो चलिए हम बना लेते हैं, एक कंडक्टर है हमारे पास कोई, ये हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चों, और इसमें से हम लोग देखेंगे कि करंट किस तरीके से फ्लो करता है, या फिर मैं कहूं कि व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ फ्लोइंग ऑफ करंट इन एनी कंडक्टर। तो मैंने बताया कि करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है बच्चों, फ्री चार्जेस। करंट को फ्लो कराने के लिए क्या चाहिए होता है, फ्री चार्जेस। हम लोग कंडक्टर में से फ्लो कराने की बात कर रहे हैं, और आप जानते हो कोई भी चीज हो वो किस चीज से मिलके बनती है, एटम से मिलके। किस चीज से मिलके बनती है, एटम से मिलके। तो ये कंडक्टर बहुत सारे एटम से मिलके बना होगा, ये तो बहुत अंडरस्टूड वाली बात है, आपको क्लास 9th में भी बताई गई होंगी कि कोई भी चीज हो दुनिया में वो एटम से मिलके बनती है। तो कंडक्टर के पास भी क्या रहे होंगे, एटम्स। और एटम्स को अगर मैं फर्दर स्टडी करूं तो एटम के पास 3 चीजें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये 3 चीजें होती हैं बच्चों इलेक्ट्रॉन एटम के पास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब आप जानते हो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिलके तो क्या बना लेते हैं, आपका न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस। और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होते हैं, इस न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपनी ऑर्बिट्स में। मान के चलो कि ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड में हमने 3 ऑर्बिट ले ली, डिपेंडिंग ऑन मेटल, आप जानते हो सबका एटॉमिक नंबर होता है, उसी बेसिस पे हम लोग उसकी ऑर्बिट्स डिसाइड करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी। इट इज ऑल अबाउट क्लास 9th केमिस्ट्री, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है अभी तक। चलिए, अभी इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होगी जो भी रही होगी, 2 मान लीजिए यहां कुछ आगे, हमें इनसे मतलब नहीं, हमें मतलब है आउटर मोस्ट शेल से। हमें किससे मतलब है बच्चों, आउटर मोस्ट शेल आपको बताएगी फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। अब अगर आउटर मोस्ट शेल के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो होगा क्या बच्चों, ये न्यूक्लियस, इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन बांध के रखता है, ये न्यूक्लियस बांध के रखती है। लेकिन न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स कुछ कम लगा पाएगी, क्यों, क्योंकि इनकी पोजीशन में को इनकी दूरी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर होगी। सोच के देखो, अगर मैं इस सेल की दूरी देखूं तो ये है, सेकंड सेल की दूरी देखूं तो ये, और थर्ड सेल थोड़ा सा ज्यादा दूर है। इट मींस होगा क्या, इस दूरी की वजह से ये न्यूक्लियस इन पर बाइंडिंग फोर्स नहीं लगा पाएगी, और कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स छोड़ के बाहर निकल जाएंगे उन्हीं को बोला जाता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या बोला जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर मैं बोलूं फ्री चार्जेस। समझ आई बच्चों आपको फ्री चार्जेस का कॉन्सेप्ट, जो इलेक्ट्रॉन्स अपने आउटर मोस्ट शेल को छोड़ के बाहर निकल जाएंगे उन्हीं को बोला जाएगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री चार्जेस। अब यही फ्री चार्जेस क्या जनरेट करते हैं, करंट।
अंडरस्टूड है, बहुत अच्छे से हो जाना चाहिए। चलिए, अभी मैंने बताया कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर, हमें पता है किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कौन कराता है, फ्री चार्जेस। क्लियर है बच्चों? तो चलिए थ्योरी लिख लेते हैं। वी नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ फ्री चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्री किसकी वजह से फ्लो होता है, फ्री चार्जेस की वजह से, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। कंफ्यूज नहीं होना, बात समझना। इलेक्ट्रॉन्स भी तो क्या होते हैं, चार्जेस ही होते हैं भाई। चार्जेस दो तरीके के, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमें कौन से लेने हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन। तो आप या तो ये लिख लो, वी नो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ, इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री चार्जेस। अब होगा क्या, अब अगर ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री चार्जेस रहे होंगे, ये मैंने फ्री चार्जेस बना दिए इस कंडक्टर के अंदर। तो ध्यान रखना बच्चों, किसी भी कंडक्टर में जब फ्री चार्जेस होते हैं या फिर मैं कहूँ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो रैंडम मोशन करते हैं। कैसा मोशन करते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम मोशन मतलब एज्यूम करके देखो, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए जाएं, एक क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए जाएं और टीचर को बाहर भेज दिया जाए, तो क्या करोगे, मस्ती करने लगोगे, इधर उधर दौड़ोगे। तो वही यहाँ पे केस है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा, कोई इलेक्ट्रॉन इधर घूम रहा होगा, कोई इधर कोई इधर, तो क्या होगा, इनके बीच में आपस में कोलिजन हो रहा होगा, मतलब टकराव। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये क्या कर रहे होगा, आपस में कोलिजन। तो इस वजह से भाई हमने देखो, देखो चीजें ध्यान से समझना, मैंने बताया था कि जब चार्जेस में मोशन आएगा तो करंट बनेगा, लेकिन यहां चार्जेस मोशन तो कर रहे हैं लेकिन अभी करंट नहीं बना। अभी इलेक्ट्रिक करंट क्या है, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि रेंडम मोशन की वजह से कोलिजन हो रहे हैं और ये अपनी एनर्जीज लॉस्ट कर रहे हैं। लेकिन अब होगा क्या बच्चों, जैसे ही मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दूंगा, जैसे ही मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगाऊंगा, यानी एक एक्स्ट, यानी ये किस केस में, अभी आप लिखोगे सेकंड पॉइंट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी ही क्या होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही तो बैटरी बनाता है। इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस, नो करंट फ्लोज इन द कंडक्टर। यानी ये वो केस है जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की, और बैटरी ना कनेक्ट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ने रैंडम मोशन किया, और रैंडम मोशन की वजह से करंट कोई भी जनरेट नहीं हुआ। स्टेप बाय स्टेप चले, अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, मैं एक बैटरी लेके आऊंगा। तीसरे स्टेप में मैंने क्या किया बच्चों, एक बैटरी कनेक्ट कर दी। चलिए तीसरा स्टेप में यहां बना के दिखा देता हूं आपको, ये हमारा सेकंड स्टेप था। सेकंड स्टेप क्या था कि कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं है तो क्या हो रहा है, ये रैंडम मोशन कर रहे हैं, और रैंडम मोशन की वजह से आपका कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। अब तीसरे स्टेप में मैं क्या करता हूं कि ये मेरा कंडक्टर रहा है, ये मेरा कंडक्टर है, और अब मैंने क्या किया बच्चों, अब मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक बैटरी कनेक्ट कर दी, या फिर मैं कहूं कि मैंने कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। ध्यान रखना, जो बड़ा वाला डंडा होगा वो पॉजिटिव होता है, और जो छोटा वाला डंडा होता है वो नेगेटिव होता है। बहुत बेसिक सी चीजें बता रहा हूं मैं आपको। अब क्या होगा, ये अभी तक तो रेंडम मोशन कर रहे थे, सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास कैसा चार्ज होता है बच्चों, नेगेटिव चार्ज। जैसे ही इनको पॉजिटिव दिखेगा, मैंने क्या बताई थी, अपोजिट अट्रैक्ट्स, इनके बीच में एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव की तरफ भागने लगेंगे। इट मींस इनके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा। अब इनके पास क्या आ गया बच्चों, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, इनके पास आ गया एक स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स अब बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। अब होगा क्या, उससे सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पेसिफिक मोशन आ गया, और जैसे ही सारे इलेक्ट्रॉन्स के पास एक स्पेसिफिक मोशन आता है, करंट कंडक्ट करने लगेगा। तो आप लिखोगे थर्ड स्टेप, चलिए यहां लिख देता हूं थर्ड स्टेप, आप तरीके से लिख लेना नोट्स, ठीक है। वेन वी अप्लाई एक्सटर्नल बैटरी और
ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टूवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड करेंट कंडक्ट्स और करंट आपका फ्लो करने लगेगा। यानी हुआ क्या, जैसे ही आपने बैटरी लगाई सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे और उसकी वजह से हमारा करंट फ्लो करने लगा। तो ये एक प्रोसेस होता है पूरा आपका, हाउ करंट कंडक्ट्स इन कंडक्टर या फिर वायर या फिर कोई भी मटेरियल, कि किसी मटेरियल में से अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसका प्रोसेस रहता क्या है। क्लियर है बच्चों? तो ये बहुत बेसिक सी चीज थी। अभी देखिए यहां से एक बात और, अब होगा क्या, सारे इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भागने लगे। अब बात आती है यहां से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन। तो करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है, ध्यान रखना। करंट ऑलवेज फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो कर रहे हैं इस तरफ, तो करंट किधर फ्लो करेगा इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से एक क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होती है या फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है करंट। देखो सोच के समझो चीजों को, भाई करंट इधर से फ्लो कर रहा है और इधर क्या है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। जब करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो पूरा फ्लो करके वापस नेगेटिव तक ही तो आएगा, तभी तो एक पूरी साइकिल बनाएगा करंट। तो हमेशा यह ध्यान रखना, करंट की डायरेक्शन अगर कोई पूछे तो तीन तरीके से आप आंसर दे सकते हो। या तो बोल सकते हो कि करंट की डायरेक्शन नोट में लिख लो, करंट ऑलवेज फ्लोस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ, या तो आप यह बोल दो कि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, या फिर आप ये बोल दो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है, या फिर समझो इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो कर रहे हैं तो प्रोटॉन्स किधर फ्लो कर रहे होंगे, इस तरफ, तो इधर ही करंट की डायरेक्शन है। या फिर आप ऐसे बोल दो कि करंट की डायरेक्शन प्रोटॉन्स की डायरेक्शन में होती है, हालांकि ये तरीका गलत है बताने का, तो आप इन्हीं दो तरीके से बताना अगर कोई पूछे कि करंट की डायरेक्शन अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है या फिर फ्रॉम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। चलिए अगली डेफिनेशन हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। अब यहां से आपको यह तो समझ आ गया कि करंट कंडक्ट होता कैसे है, तो यहां से अब आपकी एक इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन निकल के आती है बड़ी अच्छी सी। देखो मैंने बताया कि कोई भी अगर एक कंडक्टर है, कोई भी अगर आपका एक कंडक्टर है तो उसमें जैसे ही बैटरी लगाई आपने तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो तो कर रहे हैं या फिर मैं कहूँ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। अब बात आती है कि कितना करंट कंडक्ट होगा, तो डिपेंड करेगा कि कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है इलेक्ट्रिक करंट की, द फ्लो ऑफ चार्जेस, पर यूनिट टाइम, यानी कितने टाइम में कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं ये डिसाइड करेगा आपका इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू ओवर टी। ठीक है बच्चों, आई का फॉर्मूला क्या बनता है यहां से, क्यू ओवर टी। अच्छा चलिए, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट होती है बच्चों इसकी एम्पियर, और एम्पियर को ए से रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, एसआई यूनिट ऑफ करंट। बेटा ये चीजें ना देखो ध्यान रखना आप लोग कि यहीं से ऑब्जेक्टिव बनते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव के लिए कोई अलग से बुक नहीं आएगी आपको कि ये है, जितने भी कॉन्सेप्ट छोटे छोटे होते हैं वहीं से आपके ऑब्जेक्टिव या एक नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, एम्पियर। अच्छा एक और यूनिट निकल के आ सकती है यहां से, देखिए चार्ज की क्या होती है, कूलम, चार्ज की कूलम होती है, और टाइम की सेकेंड, यानी कूलम पर सेकेंड। देखिए चार्ज की कूलम, टाइम की सेकेंड, यानी अगर यह पूछ लिया जाए कूलम पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है, तो यह भी किसकी होती है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट की। अब यहां से एक डेफिनेशन निकल के आती है, डिफाइन वन एम्पियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
एग्जाम में पूछा गया है कई बार आपके, डिफाइन वन एम्पियर। तो देखिए जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको डिफाइन वन वोल्ट कहां से निकलवाई थी, फॉर्मूले से। तो यहां से देखिए कूलम पर सेकंड इसकी यूनिट है, यानी ये बताओ इसे एम्पियर के बराबर भी तो रख सकता हूं, क्योंकि दोनों ही करंट की दोनों ही करंट की यूनिट है, यानी एम्पियर कूलम पर सेकंड के, वन एम्पियर की डेफिनेशन चाहिए, तो हर जगह वन वन लगा दूंगा। तो यहां से डेफिनेशन क्या बन गई, अगर वन कूलम चार्ज फ्लो करेगा वन सेकंड में, वन कूलम चार्ज, कूलम किसकी यूनिट है, चार्ज की, यानी वन कूलम चार्ज अगर वन सेकंड में फ्लो करेगा तो करंट कितना बनेगा, वन एम्पियर। तो आप यहां से लिखोगे व्हेन वन कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, भाई चार्ज तो कंडक्टर से तो फ्लो करेंगे, फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर इन वन सेकेंड, देन करेंट इज, देन करेंट फॉर्म्ड इज वन एम्पियर। बहुत अच्छे, ठीक है। तो देखिए रटना नहीं पड़ रहा आप लोगों को, चीजें समझ आ रही हैं अच्छे से। वन एम्पियर की डेफिनेशन हमने कैसे निकाली, हमने वन एम्पियर की डेफिनेशन फॉर्मूले से निकाल ली अपने, हमारे पास फॉर्मूला था एम्पियर इक्वल टू कूलम पर सेकंड होता है, तो यहां से वन एम्पियर की डेफिनेशन निकले। अभी देखिए करंट पता पड़ गया आपको, करंट कैसे फ्लो करता है कंडक्टर से, तो करंट को मापने के लिए यानी मेजर करने के लिए भी तो कोई इंस्ट्रूमेंट होता होगा। तो चलिए हेडिंग डाली एमीटर, एमीटर हेडिंग लिखे एमीटर। ठीक है अभी देखिए एमीटर पढ़ेंगे हम लोग, एमीटर के साथ साथ वोल्टमीटर भी पढ़ेंगे। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि एमीटर और वोल्टमीटर आप लोग कहां देख सकते हो, तो एमीटर और वोल्टमीटर दोनों ही आप लोग आपके घर में जो समरसेबल लगी हुई है ना, जो समरसेबल का मीटर है, उसमें एमीटर और वोल्टमीटर दोनों देखने को लिए मिल जाएंगे आपको। तो एमीटर क्या होता है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट, यानी ये एक ऐसा डिवाइस है जो आपका इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। और इसकी कुछ खासियत बताऊं तो इसके अंदर बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, एमीटर के अंदर बेटा रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी लो, इट हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, और इसकी एक और खासियत है कि ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, ये डिवाइसेस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए अगर ये मेरा कोई एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब देखिए एक चीज ध्यान रखना, अभी रेजिस्टेंस आगे पढ़ने को मिलेगा आपको क्या होता है, पर थोड़ा सा मैं बता देता हूं, रेजिस्टेंस करंट का दुश्मन होता है, रेजिस्टेंस कौन होता है, करंट का दुश्मन। चलिए अगर ये कोई एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये पूरा एक बैटरी का सेटअप है, यानी ये पूरा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, तो अगर मुझे ये बोला जाएगा कि आप इस डिवाइस के अंदर अपना करंट मेजर करो कि करंट कितना है, तो ये हमेशा कहां कनेक्ट किया जाएगा, एमीटर को ए से रिप्रेजेंट किया जाएगा ऐसे, और इस तरीके से इस डिवाइस, ये एक डिवाइस की तरह बिहेव कर रहा है, ये जो आपका रेजिस्टेंस है ना, इट बिहेव्स लाइक अ डिवाइस। मान के चलो आपके घर में एसी लगा हुआ है, फ्रिज लगा हुआ है, जो भी चीजें कूलर वगैरह, ये उसी की तरह बिहेव कर रहा है, किसी एक डिवाइस की तरह। तो ये हमेशा आपस में कैसे लगते हैं, सीरीज में। और एमीटर को लगाने का तरीका क्या होता है, एमीटर को लगाने का तरीका ये होता है, भाई देखो कोई भी डिवाइस हो, उसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल। फिजिक्स में कोई भी डिवाइस होगा उसके दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना होता है, इसका पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से लगाना होता है, यानी यहां पे, और नेगेटिव ये बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये इसका पॉजिटिव रहा होगा, ये इसका नेगेटिव, ये आपको दिखाना नहीं पड़ेगा इस तरीके से, पर अगर पूछ लिया जाए तो तरीका ये है। क्वेश्चन यहां से कभी कभी एक ये और बन जाता है बच्चों कि क्या जरूरी है, अगर आपके कभी टीचर पूछ ले क्या जरूरी है एमीटर हमेशा इधर ही लगाएंगे,
क्या एमिटर यहां नहीं लगा सकता, क्या यहां नहीं लगा सकता? तो बेटा ये आपके ऊपर, आप कहीं भी लगाओ, बस आपको ध्यान क्या रखना होगा, पोलैरिटी, पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से, क्लियर है? तो ये है इसका। अच्छा यहां से एक क्वेश्चन ये और बन जाएगा, अगर कभी कोई पूछ ले कि इसे आप पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते, इसे आप पैरेलल में क्यों नहीं लगा सकते, तो इसके दो आंसर है। एक तो ये, चलो एक ही बताऊंगा मैं आपको, दूसरे से आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपके लेवल की चीजें नहीं है। हमें मेजर करना है बच्चों करंट, हमें मेजर क्या करना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अभी आप आगे पढ़ोगे कि पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, पैरेलल में करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। अगर मैं इसे पैरेलल में लगा देता तो क्या होता, करंट डिवाइड हो जाता है। इट मींस सोच के देखो कि ये डिवाइस कुछ अगर आप ऐसे कनेक्ट कर देते कि ये रेजिस्टेंस है, आप इसे इसके साथ पैरेलल में लगा देते तो होता क्या, जैसे यहां से बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो करने लगेगा, जैसे बैटरी के पॉजिटिव से करंट फ्लो करने लगेगा, यहां जाते ही करंट के पास दो रास्ते कि यहां जाऊं या यहां जाऊं, तो करंट कहेगा लड़ाई कोई नहीं करेगा, आधे बच्चे लोग उधर जाओ आधे इधर जाओ, तो क्या होगा कि आधा करंट इधर से आएगा, तो क्या होगा भाई ये मीजर पूरा कहां कर पाया, अगर आप फ्लो करा रहे थे 10 एम्पियर का तो ये रीडिंग तो 5 एम्पियर देगा आपको, तो इसलिए कभी इसे पैरेलल में नहीं लगा सकते, हमेशा कहां लगाना होगा, सीरीज में। चलिए अब एमीटर के साथ ही फिर हम लोग वोल्ट मीटर और पढ़ लेते हैं। तो वोल्ट मीटर की खासियत बताऊं, कुछ इसके अपोजिट हो जाती है सारी। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें तो ये इसका बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इट हैज, चलो पहले तरीके से, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ये कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट मैंने बताई थी ना वोल्टेज, और वोल्टेज और वोल्ट मीटर को सिमिलर लग रहा है ना, ठीक है चलो। इसमें बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, एमीटर में क्या था, वेरी लो रेजिस्टेंस था, और यह हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसकी ये खासियत है कि इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और इसे हमेशा कहां लगाया जाता है, पैरेलल में। क्वालिटी खराब तो नहीं आ रही वीडियो की, देखो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होती होगी वीडियो जैसे मैं मूव करता हूं, तो उसका रीजन क्या है कि अभी मेरे पास प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ये हैंडमेड पूरी घर की लाइटिंग बनाई हुई है, तो उस वजह से थोड़ा सा कैमरा फोकस होने में टाइम लेता है, तो थोड़ा सा एडजस्ट किया करो एक दो सेकंड, ठीक है। बहुत काला लगता हूँ मैं उस टाइम पे, मुझे भी ऑकवर्ड फील होता है अपने आप को देख के, इतना हूँ नहीं वैसे, चलो। तो इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा यहां से एक छोटा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको कि इसे पैरेलल में क्यों लगाया जाता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट मीटर से हम लोग क्या चेक करते हैं, एक्चुअली होता क्या है, अभी आगे आपको पढ़ने के लिए मिलेंगे कुछ इस तरीके के डिवाइसेस होंगे, देखो कुछ इस तरीके के डिवाइसेस होंगे, जैसे यहां वोल्टेज लगा दी और यहां एक कोई भी एक डिवाइस कनेक्ट कर दिया, ये तो आपको पता ही होगा कि 10 वोल्ट की है, 15 वोल्ट की है या 20 वोल्ट की है। एक्चुअली पोटेंशियल यानी वोल्ट मीटर से हमें चेक क्या करना होता है, हमें यह चेक करना होता है कि इस डिवाइस के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप बताओ क्या होगा, इस डिवाइस के अलोंग पोटेंशियल ड्रॉप। तो पोटेंशियल ड्रॉप जब निकालना होता है तो उस डिवाइस को वोल्ट मीटर के दोनों एंड से लगाना होता है, उस डिवाइस को वोल्ट मीटर के दोनों एंड से लगाना होता है। तो सेम वे में देखो ये वोल्ट मीटर रहा होगा, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव, तो क्या होगा इसके ये दोनों एंड वोल्ट मीटर से कनेक्टेड होने चाहिए। तो एक ही तरीका है कि वोल्ट मीटर यहां लगाया जाए, इसलिए वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। या फिर दूसरा लॉजिक आप ये समझ लो कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, उस वजह से क्या होगा कि अगर आप इसे सीरीज में लगा दोगे तो ये पूरा करंट ब्लॉक कर देगा, हाई रेजिस्टेंस की वजह से पूरा करंट ब्लॉक कर देगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक्स आपको कि हाउ करंट फ्लोज इन अ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक करंट, एमीटर, वोल्ट मीटर, ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई तो वीडियो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, उनकी भी क्लियर हो जानी चाहिए। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इतना तो बनता है कि चैनल सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस कर देना, अदरवाइज मेरी अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगी और आपके दोस्तों की तैयारी आपसे ज़्यादा हो जाएगी, आपकी पीछे रह जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये दोनों पार्ट्स आप लोग अच्छे से देख के अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक यू।